मैं डॉक्टर नंदिता पाल शेतकर हूँ, 30 साल से IVF प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ ब्लूम IVF की एट लीलावती हॉस्पिटल, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रश्न पूछने चाहिए जब आप IVF कंसल्टेशन के लिए जाओगे। पहले तो आपके सब क्वेश्चंस लिख के लिए जाओ, आपका कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछे। पहले जब आप जाते हो तो डॉक्टर देखने के बाद पूछ लेना कि मेरी वजह क्या है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, क्या टेस्ट कर रहे हो आप, और वो टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपको आपका प्रॉब्लम ऑलरेडी मालूम है तो उसके बारे में पूछिए कि मुझे फाइब्रॉयड है तो इस फाइब्रॉयड से कुछ दिक्कत नहीं होगी ना, क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या दवाई दोगे आप मुझे IVF ट्रीटमेंट के लिए, कितने अंडे आप निकालोगे, कितने बच्चे निकालोगे, आप फ्रीजिंग करते हो क्या, और फिर ये जो ट्रांसफ़र है वो कितने ट्रांसफ़र करते हो, एक है बच्चा या दो बच्चे या तीन बच्चे। देन ऑल्सो डे 3 या डे 5 पे ट्रांसफ़र करते हो। आई थिंक ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट। आई थिंक कॉस्ट पता करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई सरप्राइजेज ना हो। सो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। सो थैंक यू।